हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, पहले क्लास में अपन ने बेसिक्स पढ़ा था, जहाँ पर मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ऑल दिस थिंग्स वहाँ पे आपको बताई थी। दूसरा क्लास में अपन ने ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था। आज अपन उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, और आज भी आप देखिएगा कैसे ग्रेडियंट का यूज़ यहाँ पर होता है और कैसे अपन यूनिट नॉर्मल वेक्टर सीखेंगे ताकि उसका यूज़ आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना फ्रेंड, एक एक कनेक्शन बना हुआ हर एक टॉपिक में। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो ये टॉपिक नहीं कर सकते, और ये नहीं पढ़ोगे तो इसके बाद के टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। एक ऐसा कनेक्शन बनता है ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ आगे के टॉपिक्स के। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, हर टॉपिक क्या हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो वो हमको क्या करते हैं, मेच्योर भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नॉर्मल वैक्टर। इसको डिनोट करते हैं अपन एन कैप से। इट इज डिनोटेड बाय एन कैप। ठीक है, चलो अगर इसका फॉर्मूले की बात की जाए तो एन कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। ये होता है आपका एन कैप का फॉर्मूला, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। और ग्रेडियंट फाई अपन को निकालना आता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपन को मॉड ग्रेडियंट फाई निकालना सीखना पड़ेगा। अगर दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वहां पे ग्रेडियंट और यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों को निकाल कर मिलाने पे आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनता है फ्रेंड। तो इसलिए हर एक टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में यूनिट नॉर्मल वैक्टर निकालने के लिए दे तो आप समझ जाइएगा कि आपको एन कैप निकालने के बारे में कह रहा है, और एन कैप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब अपन क्वेश्चंस करते हैं जहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड। और बहुत आसान है ये टॉपिक, इसमें अपन को ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेडियंट फाई अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। तो चलिए फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा दम नहीं है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है माई डियर फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट -1 -1 और 2। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या निकालना है फ्रेंड, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको अपन यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये नॉर्मल होता है। फिलहाल मैं थ्योरी में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि थ्योरी में जाना का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं अभी छुरी में जाना नहीं चाहता हूँ। आप बस क्वेश्चन को देखिए और आप देखिए कि हाँ आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है इसका मतलब क्या फ्रेंड, आपको एन कैप निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट फाइव अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाइव। तो आपको किसी भी तरीके से इस जो आपका फंक्शन दिया हुआ उसका ग्रेडियंट निकाल लेना है। अगर आप ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो आप आराम से यूनिट नॉर्मल वैक्टर निकाल पाएंगे, या तो आप यूनिट वैक्टर निकाल पाएंगे इसका बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलो देखो कितना सिंपल सा कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। आपको बोला है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए, लेकिन अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं ग्रेडियंट फाई, क्योंकि ग्रेडियंट फाई से ही क्या निकलेगा, आपका यूनिट वेक्टर निकलेगा। ठीक है, चलो तो एटलीस्ट इतना तो इसमें डाउट नहीं होगा आपको। तो अपन आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। सो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक काम करो, इस 4 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप क्या मान लो, इसको आप फाइव मान लो, इसको आप क्या मान लो, फाइव मान लो, एक्स वाई जेड स्क्वायर -4। ठीक है बेटा, जब यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है कितना है, -1 -1 और 2। तो फिलहाल आपको भले ही निकालना है यूनिट वेक्टर, आप सबसे पहले निकालेंगे ग्रेडियंट फाइव, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल अपन अभी ग्रेडियंट फाइव निकालते हैं। ठीक है, चलो तो ग्रेडियंट फाइव इसके पहले वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि ग्रेडियंट फाइव मतलब क्या, ऑपरेटर फाइव। ठीक है बेटा, चलो ऑपरेटर का क्या होता है फॉर्मूला, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, फाई की वैल्यू होती है एक्स, यहाँ पे वाई क्यूब होगा, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। ठीक है,
तो यहाँ पे तो यार कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं दिख रही मुझे कहीं दूर दूर तक, क्योंकि आपको सिर्फ अभी ग्रेडियंट फाई निकालना है, ठीक है। चल इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करो, इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करो, इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर माइनस फोर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस फोर प्लस के कैप, अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है फ्रेंड। देखो तो हमने अपना बेसिक अच्छा किया, हमने ग्रेडियंट फाई अच्छे से सीखा, तो आज उसका यूज यहाँ पे हो रहा होगा, भले ग्रेडियंट फाई आपको ना पूछे लेकिन उसका यूज आपको हर जगह करना है, ठीक है। चलिए तो ये आई कैप देखो बेटा, यहाँ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन, ठीक है, बचा क्या आपका वाई क्यू जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर है तो फोर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि फोर क्या है आपका कॉन्स्टेंट है। अब आगे देखो प्लस जे कैप, यहाँ पे एक्स अपनी जगह पे रहेगा और वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, वाई क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और माइनस फोर है तो फोर का डिफ्रेंसिएशन जीरो। देखो बेटा यहाँ पर जब एक्स था डी अपॉन डी एक्स तो एक्स वाले को डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ पे डी वाई है तो वाई वाले को डिफ्रेंशिएट किए, क्योंकि देखो हमेशा कितना ले ली जाओगे आप, थोड़ा बहुत तो शॉर्टकट मारना ही पड़ेगा ना, लेकिन अपने बेसिक्स को सीख कर शॉर्टकट मारा है, ठीक है। चलो तो प्लस के कैप, अगर आप जेड की बात करो तो यहाँ पे एक्स वाई क्यूब वैसा का वैसा ही रहेगा, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू जेड और माइनस फोर का क्या हो जाएगा माइनस जीरो, ठीक है। चलो अब इसको अरेंज करके लिखो, तो वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस जीरो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप प्लस, इसको अरेंज करोगे तो थ्री एक्स को पहले लिखो फिर वाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस, फिर इसको अगर लिखोगे तो टू को पहले लिखो फिर एक्स फिर वाई क्यूब फिर जेड के कैप, ठीक है फ्रेंड। चलो तो यहां तक आपका क्या निकल गया, यहां तक आपका निकल गया ग्रेडियंट फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो पहले पॉइंट पुट कर दो या तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिखने के बाद पॉइंट पुट करना, लेकिन जब वहां पर पॉइंट पुट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप क्या करो यहीं पर पॉइंट पुट कर लो ताकि आपको क्या हो आसानी हो। आपने ग्रेडियंट फाई निकाल लिया है, अब आप क्या करो यहीं पर पॉइंट को पुट कर दो, ठीक है। चलो तो पॉइंट क्या था हमारा, एट माइनस वन और टू, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, इसका मतलब है कि जहां पर x है वहां पे माइनस वन पुट होगा, जहां पर y है वहां पर माइनस वन पुट होगा और जहां पे z है वहां पे टू पुट होगा। तो अभी तक तो वही चल रहा है जो हमने इससे पहले वाले क्लास में किया था, अभी कुछ भी नया नहीं आया है तो मुझे भी ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आराम से भी चीजों को यहाँ पर अपन कर सकते हैं। जहां पर लगेगा कि नहीं मुझे एक्साइटेड होना है मैं होऊंगा, अभी फिलहाल यहाँ पे एक्साइटमेंट की कोई भी ऐसी बात नहीं है प्यारा बच्चा, ठीक है। चलिए तो y की जगह पे माइनस वन तो माइनस वन का क्यूब, z की जगह पे टू है तो टू का स्क्वायर i कैप प्लस थ्री, एक्स की जगह पे क्या है फ्रेंड माइनस वन है, y की जगह पे क्या है माइनस वन का होल स्क्वायर और z की जगह पे क्या है z की जगह पे टू का होल स्क्वायर j कैप प्लस टू अपनी जगह पर है, x की जगह पे क्या है फ्रेंड x की जगह पे है माइनस वन वाई क्यूब मतलब कि माइनस वन का क्यूब और यहाँ पर z है तो z यहाँ पे कितना होगा बेटा z हो जाएगा टू के कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो देखो माइनस वन का क्यूब आपका माइनस वन और टू का स्क्वायर फोर, तो फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर आई कैप, ठीक है। आप यार ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, इंजीनियर हो भगवान नहीं, वो मैंने बैग रखा वैसा इंजीनियर हो भगवान नहीं क्या। चलिए यहाँ देखो माइनस वन का क्यूब माइनस वन और टू का स्क्वायर फोर, तो फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर आई कैप। अब यहाँ देखो बेटा माइनस वन का स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री और यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर तो माइनस थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व जे कैप, ठीक है बेटा। आप चाहो तो इसको सेपरेट साइड में कर लेना, इफ यू हैव कंफ्यूजन ऑन डैट आप इसको सेपरेट कहीं भी कर लेना, ऐसे कर लेना थ्री माइनस वन, माइनस वन का क्यूब क्या होता है माइनस वन, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, सॉरी स्क्वायर है ना थ्री प्लस वन, तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व जे कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, माइनस वन और ये माइनस वन का क्यूब हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन और वन इंटू टू टू और टू टू जा फोर के कैप,
चलो, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी आपको रॉकेट साइंस नहीं बताया जो आपको बहुत परेशान कर दे, हैरान कर दे, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया फ्रेंड। सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेडियंट फाइन निकालने बताया है, जो कि आप इससे पहले सीख चुके हो, ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। और हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने ग्रेडियंट फाइ निकाल लिया। यहाँ पर क्या है वो, माइनस फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप और प्लस फोर के कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हमने यहाँ पर प्यार से ग्रेडियंट फाइ को निकाल लिया। और देख लो बेटा कि डिफ्रेंसिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन का नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन को भी पता है कि अपन ने डिफ्रेंसिएशन कितने अच्छे से सीखा है। अगर अपन नहीं सीखते तो दिक्कत में आते, हमने सीखा है तो हम लोग दिक्कत में नहीं है, ठीक है। चल कुछ नहीं बेटा, जब अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना हर एक टॉपिक को, तो आप कहीं नहीं फंसोगे, आया बात समझ में। और अगर अपन स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते हैं तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। तो अपन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और अपना नाम रोशन करना है, ठीक है। चलिए तो अपन को निकालना क्या था फ्रेंड, अपन को निकालना था यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। तो अपन को निकालना था यूनिट वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई, ठीक है। चलो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है माइनस फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप और प्लस फोर के कैप, ठीक है। फिर मॉड में ग्रेडियंट फाई माइनस फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। देखो बेटा कुछ नहीं किया, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू यहां पर लिखी और नीचे में क्या था बेटा, मॉड ग्रेडियंट फाई, तो देखो यहां पे मॉड लगा के वही वैल्यू यहां लिख दी, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको परेशान करे, देख लो अच्छे से, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू लिखी और नीचे भी ग्रेडियंट फाई की वैल्यू लिखी, उसमें क्या लगा दिया, सॉरी फॉर डैट, इसमें लगा दिया अपन ने मॉड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर मॉड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, देखो आपने क्लास ट्वेल्व में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखिए कि मॉड कैसे सॉल्व होता है, ये तो कर लोगे यार, ग्रेडियंट फाई की जगह पर ये लिख दिया और नीचे भी ग्रेडियंट फाई है लेकिन यहाँ पे मॉड लग गया। आप सवाल उठता है कि सर मॉड को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे देखो मॉड कैसे सॉल्व होता है। मान लो आपको मॉड में दिया हुआ है टू आई थ्री जे और फोर के कैप, ये आपको मॉड आपका इसको निकालना है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मॉड का मतलब वही होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, रूट लोगे, सबसे पहले क्या लोगे आप, रूट लोगे, फिर आप लोगे आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशियंट क्या है टू, तो टू का होल स्क्वायर, फिर प्लस में आप क्या लोगे जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे का कोफिशियंट क्या है थ्री है, तो थ्री का होल स्क्वायर, प्लस फिर आप लोगे k के कोफिशियंट का स्क्वायर, k का ऑफ कोफिशियंट कितना है फोर है, तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर। बहुत सिंपल, आपको रूट लेना है, फिर i के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस फिर j के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस फिर k के कोफिशियंट का स्क्वायर, ठीक है। इससे अपन मॉड सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया, टू का फोर, थ्री का नाइन और फोर का सिक्सटीन, आप इसको ऐड कर दो, पच्चीस और ये हो गया उनतीस, ठीक है, देख लेना क्या आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो अपन को इसका मॉड सॉल्व करना पड़ेगा नीचे वाले का, ऊपर वाला वैसे का वैसा ही रहेगा, माइनस फोर आई माइनस ट्वेल्व जे प्लस फोर के, जब इसका मॉड सॉल्व करना है अपन को इसका नीचे वाले का, तो मैंने क्या बोला था आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशियंट क्या है माइनस फोर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस फोर का होल स्क्वायर, प्लस फिर मैंने बोला जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे का कोफिशियंट माइनस ट्वेल्व, ठीक है माइनस में तो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप लिखोगे माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो के यहां प्लस में फोर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस फोर आई माइनस ट्वेल्व जे प्लस फोर के अपॉन अपॉन रूट अंडर माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाएगा 144 और फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो देखो 144 प्लस 32 ये हो गया 6 और ये हो गया 176, ठीक है फ्रेंड। तो अपन लिखेंगे माइनस फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप प्लस फोर के कैप
अपॉन रूट अंडर 176। इसको सॉल्व मत करना, ऐसे ही रहने दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल गया फ्रेंड। ठीक है, तो देख लो कितना ज्यादा आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको परेशान करे। जब भी आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, मतलब कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको फंक्शन देखना है और उसका पॉइंट देखना है। फंक्शन से आपको निकाल देना है ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट आप निकालोगे उसको पॉइंट जरूर पुट कर देना। जो ग्रेडियंट आप निकालोगे फिर उसी ग्रेडियंट के आप मॉड से उसको डिवाइड कर दोगे तो वो क्या होता है, आपका एन कैप होता है। तो चलो ये एक पहला सिंपल सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक्स को तो अपन कवरअप करना पड़ेगा ना बेटा, भले एक दो क्वेश्चन अपन करें, टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन जहां से आपका यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, और यहां से अपना जो कंसेप्ट है उसको आप और क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया कि अपन को यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस के नॉर्मल हो, फाइ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, और हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही रहेगा, और कभी कभी ये नॉर्मल वर्ड नहीं रहेगा, कोई बात नहीं फ्रेंड, हमेशा जो है आपका यूनिट नॉर्मल वैक्टर नॉर्मल ही निकलता है किसी सर्फेस का। और मैं अभी थ्योरिटिकल आपको नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ, 11-12 में आपने बहुत लिया है, बताऊंगा कभी अगर समय रहा तो, क्या है इसका यूजेस क्या है, इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, सब बताऊंगा। फिलहाल अभी कोर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि अपन टू द पॉइंट पढ़ते हैं और अपने नॉलेज को कंफर्म करते हैं। ठीक है, एट द पॉइंट 1-5। चलिए, तो यहां पर आपको दे दिया गया फाइव की वैल्यू, साफ साफ क्या दिया हो बेटा फ्रेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, और आपको पॉइंट दे दिया है 1-5। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, क्या पता है, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाइ अपॉन में मॉड ग्रेडियंट फाइ। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड, ग्रेडियंट फाइ निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका मॉड निकालिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना समय का वेस्ट किए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ग्रेडियंट फाइ निकालते हैं। ठीक है, और अभी निकालो ग्रेडियंट फाइ जितना निकाल सकते हो, भले आपको आ चुका हो लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेट बनोगे। ठीक है, चलिए, तो प्रैक्टिस करना कभी बुरा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे ग्रेडियंट फाइ। ठीक है, और सभी को पता है ग्रेडियंट फाइ होता है आपका ऑपरेटर फाइ, ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और फाइ की वैल्यू आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए अपन को ग्रेडियंट फाइ निकालना था। ग्रेडियंट फाइ मींस क्या, ऑपरेटर फाइ, ऑपरेटर की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है, फाइ की वैल्यू आपको दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, चलो तो इस वाले को आप सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है फ्रेंड, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना, आपने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये को इसको सॉल्व करते हैं, आई कैप देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का करोगे तो हो जाएगा 0, और z का करोगे तो ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप y को भी नहीं कर सकते हो और z को भी नहीं कर सकते हो। प्लस j कैप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और यहाँ पर z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड, चलो प्लस के कैप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, और जेड का हो जाएगा -1, क्योंकि डी अपॉन डी जेड, जेड कितना होता है 1, और यहाँ पे साइन क्या है आपका माइनस का है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो आई कैप 2x प्लस 0 माइनस 0 2x प्लस जे कैप 0 प्लस 2y माइनस 2y, इसको लिखोगे 2y, और प्लस के कैप 0 प्लस 0 माइनस 1, तो आपको लिखना पड़ेगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x i कैप, अगर इसको अरेंज करके लिखोगे तो, फिर इसको लिखोगे तो लिखोगे 2y j कैप,
और इसको लिखोगे तो माइनस वन के कैप, माइनस वन रहने दो, वहां जब कोफिशियंट लेना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, हमने निकाल लिया प्यारा बच्चा ग्रेडियंट फाई। अब आपको ग्रेडियंट फाई के अलावा क्या निकालना था, इसमें पॉइंट निकालना था ना, मतलब पॉइंट पुट करना था, निकालना कुछ नहीं था, इसमें क्या करना था पॉइंट यहीं पर पुट कर देना था ताकि वहां पर आपको क्या हो आसानी हो। ठीक है चलो, तो आप यहीं भी पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट क्या दिया हुआ एट 1, 2, 5, 1, 2 और 5। तो देखो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे, y की जगह पे 2 पुट करोगे, z की जगह पे 5 पुट करोगे। x की जगह पे 1 i कैप और 2 y की जगह पे 2 j कैप और 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है z, तो कुछ नहीं पुट होगा। ठीक है, होता तो करते, नहीं है तो नहीं पुट करेंगे। 2 इंटू 1 2 i कैप प्लस 2 2 जा 4 j कैप माइनस 1 k कैप। ठीक है फ्रेंड, चलो तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, हमने निकाल लिया यहाँ पर ग्रेडियंट फाई, जो कि क्या है आपका, जो कि है 2i प्लस 4j कैप माइनस 1 k कैप। ठीक है प्यारा बच्चा, चलो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि अपन ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट फाई निकाला है और ग्रेडियंट फाई आपको निकालना आता है। तो अब यहाँ पर मैं भाषणबाजी आपके साथ नहीं करूंगा, जब करना था तो बहुत करा, यहां पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, और क्वेश्चंस का टेंशन ना लो, क्वेश्चंस में इतने प्रैक्टिस यहां पे करवा दूंगा आपको कि फिर अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस कर दूंगा आपको ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है बेटा चलो, आपको निकालना है यूनिट वैक्टर, ठीक है, जिसको यूनिट नॉर्मल वैक्टर भी जनरली कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। ठीक है चलो, तो आपने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाली है, कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 1 k कैप। नीचे भी वही होगा, बस यहां पे मॉड लग जाएगा, 2i प्लस 4j माइनस 1 k कैप। ठीक है चलो, तो मॉड सॉल्व करना मैंने आपको इससे पहले स्टेप में बताया था, यहाँ पे फिर से देख लो, कोई बड़ी बात नहीं। मॉड को सॉल्व करना एक हमारे लिए मजाक है जो आपको करना है। चलो, तो मॉड कैसे सॉल्व होता है बेटा, उसके लिए अपन रूट लगाते हैं, है ना। रूट लगाने के बाद 2 का स्क्वायर, मतलब आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, आई का कोफिशियंट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशियंट माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 1 के कैप अपॉन रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर 16 और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 1 के कैप। अगर आप इसको सिर्फ के कैप भी लिखोगे तो चलेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, रहने दो, हटाओ ना, कैप को कौन सा पैसा लगा, रहने दो। रूट अंडर 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 20 1 में 21, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। तो आप देख लो कितना सिंपल है आपके लिए कि आप आराम से किसी भी फंक्शन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रेडियंट निकालना, ग्रेड निकालने के बाद उसी का मॉड निकाल देना ग्रेडियंट में और उसको क्या कर देना फ्रेंड, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है चलो, ये आपका ग्रेडियंट का मॉड हो गया अच्छे से, और कहीं राइटिंग मिस्टेक तो नहीं, नहीं ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मॉड निकालना था, मॉड निकालने के लिए अब रूट लगाओ, रूट के बाद आई का कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो चलो फटाफट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, जब मजा आ ही रहा है, जब अपन स्पीड में चीजों का एक क्वेश्चन और कर लेते ताकि ना हम लोग कम रहे ना हम लोग ज्यादा रहे, एक एवरेज अपन क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले जहां से अपन को आसानी हो। ठीक है फ्रेंड चलो, इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, और ये अभी हमारा यूट्यूब पे डेमो लेक्चर चल रहा है मैथमेटिक्स 2 के लिए, तो फ्रेंड हो सकता है कि आखिरी लेक्चर हो क्योंकि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि इसके बाद वाला लेक्चर मुझे डेमो में देना है कि नहीं देना है फ्रेंड। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं यार जो सर पढ़ा रहे वो अपन को समझ में आ रहा है तो आप फुल कोर्स ले सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड करोगे उसके बाद ऐप के स्टोर पर आप जाओगे तो ऐप के स्टोर पे आपको वहां पे मैथमेटिक्स 2 का कोर्स दिखेगा,
तो वहां से आप परचेस करके पूरे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि ये पूरा कंटेंट आपको वहां पे मान के चलो जो मैथमेटिक्स 2 में 100 से ज्यादा लेक्चर्स तो होने ही वाले फ्रेंड, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इस बार अपन को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी मैंने बता दिया, हो सकता है कि आगे आपके डेमो लेक्चर्स आए, और ये भी हो सकता है कि आगे आपके डेमो लेक्चर्स ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू है, आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आता है फ्रेंड तो आपको आगे के लेक्चर्स कहाँ पर मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आपको अगर पसंद है तो आप कोर्स ले सकते हो प्यारा बच्चा, 799 फीस है। नहीं पसंद है तो कोई इशू नहीं, कोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर से आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों का मानना है कि सर यूट्यूब में सारी चीज़ें फ्री हैं, अपन पे क्यों करें, आप जाके फ्री की चीज़ें पढ़ो, कोई इशू ही नहीं है बेटा। वहाँ से क्या गेन होगा, सिर्फ पास होना है, ठीक है, क्या है नहीं मुझे नहीं मतलब है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीखे, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज हो, इसलिए अपन एक सेपरेट बैच रन करते हैं। अदरवाइज अपन यूट्यूब पे भी आकर फ्री पढ़ा सकते हैं, जिससे आपका कोई काम नहीं होगा। पास जरूर हो जाओगे जैसे तैसे करके, लेकिन आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो अपन फिलहाल एग्जाम के नहीं, एग्जाम के बाद का भी सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपको फ्यूचर में कभी हेल्प मिलेगी क्या, तो खैर अपनी जगह पर है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, सो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस 5। यहाँ पर आपको फिर से दिया हुआ है फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू एट 111, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन को आप यहाँ नोट कर लो, क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। पॉइंट आपको बहुत सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 और 1, ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए तो आप सभी को पता है कि अगर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, इससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट फाई, ठीक है। तो अपन चलिए सबसे पहले खोज करते हैं ग्रेडियंट फाई का, और ग्रेडियंट फाई तो निकाल ही रहे हैं यार, तब से अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई मींस व्हाट बेटा, ग्रेडियंट फाई मींस ऑपरेटर फाई। ऑपरेटर की वैल्यू है आपकी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और फाई की वैल्यू फ्रेंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है। चल तो सबसे पहले प्यारा बच्चा क्या होगा, ये यहां पर इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई, फिर यहां मल्टीप्लाई, और फिर यहां मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, प्लस अगर ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, प्लस अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो आई कैप देखो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई क्यूब का हो जाएगा 0 और जेड क्यूब का हो जाएगा 0, प्लस जे कैप एक्स क्यूब का हो जाएगा 0, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y², वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y², और जेड क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, जेड क्यूब का हो जाएगा 0, प्लस अगर के कैप करोगे तो एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का भी 0 और जेड का, जेड क्यूब का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये हो जाएगा 3z², ठीक है फ्रेंड। चलो तो डिफ्रेंसिएशन में अपन ने महारत हासिल कर ली, डिफ्रेंसिएशन में कोई भी ऐसा इशू नहीं है, है ना। सो आई कैप 3x² प्लस जे कैप 3y² प्लस के कैप 3z², ठीक है। चलो तो इसको अगर अच्छे से करोगे तो ये हो जाएगा 3x² आई कैप प्लस 3y² जे कैप प्लस 3z² के कैप, ठीक है प्यारा बच्चा। चलो कौन से पॉइंट पे निकालना है अपन को, अपन को निकालना है एट 1 1 और 1। तो यहाँ पे पॉइंट बहुत ही सिंपल, इसका मतलब x के जगह पे 1 पुट करेंगे, y के जगह पे 1 पुट करेंगे और z के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर i कैप प्लस 3, यहाँ पे y स्क्वायर है y की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर j कैप प्लस यहाँ पे z है तो z के जगह पे 1 का स्क्वायर k कैप, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है प्यारा बच्चा। चलो तो यहां से क्या निकल गया हमारा, यहां से निकल गया हमारा ग्रेडियंट फाई, जिसकी वैल्यू क्या आई प्यारा बच्चा, जिसका वैल्यू आई है 3i 3j 3k।
तो यहां तक तो यार अपन ने बहुत करा है काम, ऐसा नहीं कि यहां तक ने काम नहीं करा, यहां तक अपन ने बहुत अच्छे से करा, लेकिन यहां से आगे भी अपन को अच्छे जान लो, अपन अच्छे से बेस को बनाते हुए चलेंगे धीरे धीरे आराम आराम से, तब आप जाके जितने भी बड़े क्वेश्चन है उसको जाके फाड़ कर आ जाओगे। और अगर अपन बेस नहीं बनाते तो अपन क्या होगा, फाड़ना छोड़ो फट कर आएंगे, तो अपन को फटना नहीं है, फाड़ना मैंने शुरू से बोला आपको, ठीक है। चलिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट कीजिए, फिर अपन इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोटेड बच्चा पार्टी, नो कब तक डेमो दूंगा देखता हूं मैं, डेमो का भी यार मूड नहीं है क्योंकि काम बहुत है, ऑफलाइन बैचेस भी चालू हो चुके हैं, सो अब और भी काम है, अभी तो टेंथ के बैचेस में नहीं ले रहा हूं अपने, लेकिन जब मैट्रिक्स दिया चाहता हूं, जब मेरा लाइफ बिजी हो तब तक मैं मैथमेटिक्स 1, 2, 3 अच्छे से अपलोड कर दूं अपने ऐप पे, बाकी अपने बच्चे पढ़ते रहेंगे। और यूपी के बच्चों से बहुत प्यार मिला यार, इस बार बहुत अच्छे बच्चे थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 30-35 कॉल रिसीव किए, मैसेजेस भरे पड़े थे, हर बच्चा एग्ज़ाम देकर आया और हमसे बात किया, मतलब दिल जीत लिया भाई, मैं क्या बोलूँ। और RGBB के बच्चों तो भैया कल पेपर बता दो यार, ठीक है, लेकिन अच्छा लगा यूपी का बच्चों का रिस्पॉन्स, यहाँ के बच्चों ऐसा नहीं, कोर्स लिया बहुत से बच्चे जो कांटेक्ट में भी, लेकिन ठीक है, काम चलो इसको बोलते ना, काम ठीक है, मतलब ही कोई बात नहीं। चलो तो फ्रेंड अपन को निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मीन्स क्वाड एन कैप आपका क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाइ अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाइ, ठीक है, ये आपका मॉड का साइन। तो ग्रेडियंट फाइ की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 3j प्लस 3k और मॉड 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट अंडर, देखो मॉड आपको सॉल्व करना आता है रूट अंडर i के कोफिशियंट का स्क्वायर, फिर j के कोफिशियंट का स्क्वायर और फिर k के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चलो तो ये हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में आपका 9 कितना हो गया 18 और 18 और 9 रूट अंडर 27, ठीक है बच्चा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर समाप्त होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रेंड, तो देखिए हो सकता है कि मैं डेमो लेक्चर्स दूँ उसमें या नहीं भी दूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड पे, मूड अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता है सब कुछ, मूड खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, उसके बाद अपन को पढ़ना है डाइवर्जेंस, उसके बाद पढ़ना है कर्ल, उसके बाद सोलेनोइडल, इरोटेशनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत है यार, मतलब थोड़ा डाउट, ठीक है। चलिए नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8।